अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस और साल्ट्स में क्या फ़र्क है। हमारे घर में अक्सर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो एसिड्स होती हैं या बेसिस होती हैं या साल्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में डेली सोप यूज़ करते हैं, सोप एक बेस है। आप वैसे ये एग्जांपल देना बनती तो नहीं है, लेकिन फ्लश साफ करने के लिए जो हम रेड कलर का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो एक एसिड होता है। सो याद रखना, चाहे वो अच्छी एग्जांपल है चाहे वो बुरी एग्जांपल है, लेकिन हमारे घर में डेली के हिसाब से एसिड बेसिस और साल्ट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम खाना खाने हम सूप बनाते हैं या हम खाना बनाते हैं तो हम उसमें एक सिरका डालते हैं। सिरका असल में कहलाता है विनेगर। ये विनेगर एक एसिड है। आपको पता है दुनिया का पहला एसिड भी विनेगर ही था, जिसे आप सिरका कहते हैं। आपको शायद ये जान के अजीब लगे कि जो दुनिया का पहला एसिड यानी कि विनेगर है, इसका जो टेस्ट था वो तो हम सारे जानते हैं, वो सोर होता है, खट्टा होता है, खटास में होता है। बेटा, सोर को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में एसिडस। तो एसिड का वर्ड जहां से निकला है ना, वो है एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। क्यों? जो पहला एसिड आइडेंटिफाई हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो सोर था। उसके बाद जब जैसे जैसे एसिड निकलना शुरू हुए, डिस्कवर करना शुरू हुए, लाइक सिट्रिक एसिड, ये लेमन फ्रूट्स जो होते हैं आपके पास, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ये भी सोर ही होते हैं, खट्टे ही होते हैं, और ये यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग टेस्ट और सीजनिंग ऑफ फूड। तो आप याद रखिएगा कि जो एसिड्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली दोज मटेरियल्स विच आर सोर। लेकिन ये बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं कि एसिडस कहाँ, एसिडस से एसिड का वर्ड क्यों निकला है, पहला एसिड कौन सा था। असल में जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई, नए नए एसिड आइडेंटिफाई होते गए। फॉर एग्जांपल, जब साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये बुनियाद रखी थी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद रखी। जाबिर बिन अयान ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसिड मैनुफैक्चर किए, प्रिपेयर किए। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। जाबिर बिन अयान ने एक्वा रिजिया भी बनाया था। एक्वा रिजिया एक ऐसा केमिकल होता है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। गोल्ड पे आप एसिड डालो, बेस डालो, साबुन लगाओ, तेजाब लगाओ, एसिटिक एसिड लगाओ, मट्टी लगाओ, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्वा रिजिया में उसे डाल देंगे तो वो उसको डिसॉल्व कर लेगा, उसे गायब कर देगा। बेटा, ये एक्वा रिजिया भी जाबिर बिन अयान साहब ने बनाया था, HCl और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके ख़ास प्रोपोर्शन में। सो जाबिर बिन अयान इज सपोज टू बी द पायनियर ऑफ एसिड्स। उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एसिड्स को मैन्युफैक्चर करने का, बनाने का तरीका बताया। उसके बाद आए लेवाइजर साहब। लेवाइजर सेज के जो ऑक्सीजन के कंपाउंड ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एसिड्स। डेवी ने कहा, अच्छा तो फिर HCl क्या है? वो कहता है, यार ये तो ऑक्सीजन का कंपाउंड ही नहीं है। तो उसने कहा, ज़रूरी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का कंपाउंड हो तो ही वो एसिड होगा। कुछ ऑक्सीजन के कंपाउंड नहीं होते उसके बावजूद एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। तो लेवाइजर की डेफिनेशन जो है ना, वो गलत हो गई। डेवी ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि ऑक्सीजन के कंपाउंड एसिड हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के ही कंपाउंड एसिड हो। सम टाइम ऐसे एसिड भी आ जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि HCl। आपको पता है, हम सिर्फ एसिड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड होता है। अगर हम स्टमक में से एसिड एक बीकर में से इसमें इकट्ठा कर लें और उसके अंदर कोई बोन डाल दें, स्ट्रॉन्ग बोन, लाइक आप किसी भी जानवर की लेग का बोन का पार्ट डाल दें, वो थिक होता है, वो गायब हो जाएगा। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हड्डियों तक को
डीकम्पोज कर देता है और गायब कर देता है। आपको ये जान के अजीब लगेगा कि अगर मेरे जो स्टमिक का एसिड है ये मैं कलेक्ट कर लूं और उसकी पीएच चेक करूं, पीएच असल में कहते हैं किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मैयर करने का स्केल, तो उसकी पीएच निकलेगी 2, जो कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर अगर कोई मैं स्किन का पीस डाल दूं, इसके अंदर कोई बोन का पीस डाल दूं, इसके अंदर कोई मैं छोटा मोटा आप यूं समझ ले क्लोथ डाल दूं, तो ये उसको छोड़ेगा ही नहीं, बख्शेगा ही नहीं, ये उसको आप समझ लें डिकम्पोज कर देगा। तो हमारे स्टमिक के अंदर जो एसिड होता है ना, पहली बात है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और आप कहेंगे सर कौन सा होता है, असल में HCL होता है। अब हम आते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि एसिड और बेसिस में फ़र्क क्या होता है। तो बेटा एसिड और बेसिस में फ़र्क एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आएगा और उसके 4 पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले तो हम बनाते हैं डिफरेंस का मॉडल। डिफरेंस का मॉडल बनाते हुए हमें क्या करना पड़ता है, दो हेडिंग्स देनी पड़ती हैं, एक तरफ एसिड की एक तरफ बेसिस की, फिर उनको वन बाय वन लिखना पड़ता है। याद रखना इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और उन 4 पॉइंट्स के अंदर वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं कि एसिड्स और बेसिस में क्या फ़र्क है। फिजिकली केमिकली नहीं बात कर रहे, केमिकली हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेसिस का, अभी हम फिजिकली बात कर रहे हैं। बेटा जो एसिड होते हैं ना, उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है, जबकि जो बेसिस होती है ना, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। अगर आप सोप को का थोड़ा सा पीस खा लें तो आपको इतनी सख्त कड़वाहट होगी गले में कि आपको वॉमिट आ जाएगी। सो व्हाट एक्चुअली एसिड एंड बेसिस टेस्ट, दे हैव डिफरेंट टेस्ट। एसिड लुक एसिड हैव सोर टेस्ट, वाइल बेसिस है बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। और एसिड का तो नाम ही सोर टेस्ट की वजह से पड़ा है, एसिडस। दूसरा पॉइंट, एसिड जो होते हैं ना बेटा, वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो अपना कलर चेंज कर लेता है, किसके अंदर, एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन के अंदर। अगर तो आपका लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाए तो समझ जाना एसिड है, और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो समझ जाना बेस है। अब आप कहेंगे सर हमें याद कैसे होगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कब ब्लू होगा कब रेड। देखो बेस का पहला अल्फाबेट क्या है, बी। जो कलर करेगी बेस वो भी बी से शुरू होगा, कौन सा, ब्लू। तो बेस वही कलर करती है जिससे उसका अल्फाबेट शुरू होता है, बेस ब्लू कलर करेगी सॉरी लिटमस पेपर का। एसिड जो है वो रेड कलर कर देता है लिटमस पेपर का। वैसे भी मैंने अभी बताया एसिड जो होते हैं ना बड़े नुकसानदेह होते हैं, अगर उसमें चला जाए मेरा कोई भी स्किन का पीस या हम उसमें किसी जानवर का बोन का पीस डाल दें तो वो डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है एसिड बड़े क्रोजिव होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। रेडिश साइन जो होता है ना, रेड साइन, इट इज़ अ साइन ऑफ एंगर या क्रोयन या नुकसान का। तो यही वजह है कि एसिड रेड, ये वजह तो नहीं, खैर केमिकली कोई और वजह है, लेकिन याद रखने के लिए आपने ये देखना है, एसिड्स चूंकि नुकसानदेह होते हैं लिहाजा वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। सो यहाँ तक आई होप कि आपको बेसिक बात तो समझ आ गई होगी। उसके बाद है एसिड क्रोजिव होते हैं, जी बिल्कुल, बहुत से क्रोजिव होते हैं, इतने क्रोजिव होते हैं कि हम उसको यूज़ करते हुए अगर प्लास्टिक के ग्लव्स पहने तो भी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि प्लास्टिक के ग्लव्स में अगर एक भी नीडल लाइक होल है तो आप समझ जाना कि वो आपके ग्लव्स जो है ना वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो एसिड उसमें से घुस जाएगा और इट विल कॉज क्रोयन, क्रोजिवनेस कॉज करेगा, क्रोयन नहीं। अच्छा बेस, बेसिस आर नॉट क्रोजिव। आप सोप से हाथ धोएं तो आपकी स्किन नहीं उतर जाती। हाँ कुछ ऐसी बेसिस हैं जो क्रोजिव हैं, जैसे KOH, NaOH, ये क्रोजिव हैं, इसके अलावा बेसिस क्रोजिव नहीं होती। अगर आप बर्तन ज़्यादा देर धोते रहें तो आपके हाथ पे कट पड़ जाते हैं, नुकसान होता है उंगलियों पे। वो क्यों होता है, क्योंकि बर्तन धोने वाले सॉरी सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके हाथ को नुकसान पहुंचा रहा होता है,
व्हेन यू आर वॉशिंग डिशेस। लेकिन चूंकि आप में से अक्सर बर्तन धोना ज़रा अच्छा नहीं समझते होंगे या धोते नहीं होंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। तो NaOH और KOH क्रोजिव होता है, तो जब बर्तन धोने हो तो कोशिश कीजिए ग्लव्स पहनिए। बेटा याद रखें कि एसिड का जो सोल्यूशन होता है पानी के अंदर अगर बनाया जाए तो वो कंडक्टर बनता है, वो उसमें से लाइट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो एसिड का जो सोल्यूशन होता है डेट इज़ कंडक्टर, या वो आयंस बनाता है। बेस का जो सोल्यूशन होता है ना वो भी कंडक्टर होता है, क्योंकि बेस को भी जब आप डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो वो भी आयंस बनाते हैं। तो बेटा यहाँ याद रखने वाली ये बात है कि एसिड और बेसिस में चार बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस हैं कि एसिड, अच्छा लास्ट डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, बट इट टेल्स के नेचर क्या होगी एसिड और बेस की वाटर के अंदर। एसिड जो है वो सॉल्ट टेस्ट रखता है, बिटर टेस्ट जो है वो बेसिस का है। एसिड रेड कर देता है, बेसिस बी से ब्लू कर देती हैं लिटमस पेपर को। एसिड क्रोजिव होते हैं सारे, जबकि बेसिस क्रोजिव नहीं होती सिवाय KOH और NaOH के। उसके बाद है सोल्यूशन कंडक्टर होता है एसिड का भी और सोल्यूशन कंडक्टर होता है बेस का भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चार इसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो 2 मार्क्स बन गए बेटा। तो ये 2 मार्क्स का अगर आता है तो 4 पॉइंट्स आपने इसमें लिखने होंगे। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आरहीनियस कॉन्सेप्ट की तरफ, इसको मिटाते हैं, आरहीनियस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बेटा आरहीनियस कॉन्सेप्ट जो है ना डेट इज लॉन्ग क्वेश्चन। आरहीनियस साहब बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, 1787 आई थिंक इसके राउंड अबाउट, या इसी डेट को इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था। उस दौर में ना थोड़े से एसिड आइडेंटिफाई हुए थे, डिस्कवर हुए थे, थोड़ी सी बेसिस डिस्कवर हुई थी। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारे एसिड डिस्कवर हुए हुए थे उस टाइम, और NaOH, KOH इस तरह की बेसिस डिस्कवर हुई थी। तो आरहीनियस ने किया क्या, जो डिस्कवर हुई एसिड और बेसिस थे ना सिर्फ उनको एनालाइज करना शुरू किया। जब उन्होंने उसको एनालाइज करना शुरू किया एसिड और बेसिस को, तो दे केम टू नो कि यार एसिड और बेसिस में कॉमनैलिटी है, सारे एसिड्स एक तरह का सोल्यूशन बनाते हैं, सारी बेसिस एक तरह का सोल्यूशन बनाती हैं। आप कहेंगे सर कैसे, देखें जरा गौर करें। HCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे HCl का एरो सिंगल आना चाहिए क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि HCl आयंस बनाएगा, और अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो आयंस मिलके दोबारा HCl बना लेंगे, तो इस वजह से मैं डबल एरो लगा रहा हूँ। HCl 2 आयंस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H2SO4 को अगर मैं डिसॉल्व करूँ तो वो भी 2 आयंस में कन्वर्ट होगा, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। और अगर HNO3 को मैं डिसॉल्व करूँ वाटर के अंदर, आयोनाइज करूँ तो उसको आयंस में कन्वर्ट करूँ, वाटर में मैं ऐड करूँगा एसिड्स को तो वो खुद ही आयोनाइज हो जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाएं और आयंस से कहें जनाब आप इधर चले जाएं इधर चले जाएं, दे विल ऑटो आयोनाइज इंटू हाइड्रोजन आयन एंड NO3 -1 चार्ज। अब बेटा आपने एक चीज़ गौर की है, जितने भी एसिड्स में डिसॉल्व करता जा रहा हूँ सारे के सारे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इसका मतलब जो एसिड्स हाइड्रोजन, उसके साइड्स पे बेशक क्लोरीन लगाओ, सल्फेट लगाओ, नाइट्रेट लगाओ, मैं यहाँ ए लगा लेता हूँ, तो अगर मैं किसी भी जनरल एसिड HA को डिसॉल्व करता हूँ तो वो H पॉजिटिव आयन बनाता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है कोई सा। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड होते हैं दे एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव चार्ज। एसिड्स के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि जो मर्जी एसिड हो अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन बनाएगा। तो यहाँ से आरहीनियस का हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं, एसिड वो केमिकल्स होते हैं जो के वाटर में डिसॉल्व करने पे स्पीशीज, ये स्पेलिंग गलत हो गए, स्पीशीज
विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूं ताकि दिखने में आसानी हो, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो आपने कहना है भाई कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स वो होते हैं जब उनको पानी में डिजोल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। आप कोई भी एसिड उठा रहे हैं, फास्फोरिक एसिड उठा लें, ये देखें ये हाइड्रोजन आयन इसके पास मौजूद है, आप इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा। तो एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, एसिड्स वो केमिकल हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। अब यहाँ तक तो बेसिक बात हो रही है हमारी कि ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इससे आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट बेसिस? बेसिस के बारे में क्या ख्याल है बेटा? अच्छा ये मिट गया था। अच्छा हम कोई सी दो बेसिस लेते हैं, हम ऐसा करते हैं जो उस टाइम डिस्कवर हुई थी, बेसिस NaOH और KOH लेते हैं। अब इन दोनों को वाटर में डिजोल्व करो, वाटर इनको भी आयोनाइज कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट कर देगा। NaOH पॉजिटिव चार्ज बनाएगी सोडियम और नेगेटिव चार्ज बनाएगी OH नेगेटिव, और KOH भी बनाएगी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आपने कहा सर जिस तरह एसिड हाइड्रोजन आयन्स बना रहे थे कॉमन, इसी तरह बेसिस जो है ना वो हाइड्रोक्सल आयन बना रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस OH, यानी कि B कोई भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, और उसको आयोनाइज करूँ तो B पॉजिटिव पार्ट में लैदा हो जाएगा और सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आयन छोड़ देगा। तो इसका मतलब बेसिस जो होती हैं वो अगर वाटर में डिजोल्व किए जाएँ तो वो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करती हैं। बेटा याद रखना, बेसिस वो स्पीशीज होती हैं, जब उन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करती हैं। सो बेसिस बेसिस विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। बेसिस जो होंगी वो हाइड्रोक्सल बनाए आयन बनाएंगी जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा। बेसिस जो होंगी वो हाइड्रोक्सल आयन बनाएंगी जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा। आप कहेंगे सर 1787 में को 15 को बेसिस हो गई होंगी, कोई 10 को एसिड हो गए होंगे, बाकियों का क्या बना? अब यहाँ पे अगर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके सवाल का जवाब तीसरी हेडिंग होगी। पहली हेडिंग थी एसिड, उसमें एसिड की जनरल इक्वेशन वो जो AH वाली लिखी थी वो लिखनी है, फिर एग्जाम्पल्स लिखनी है, फिर डेफिनेशन के सॉरी डेफिनेशन पहले लिखनी है, फिर आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने एग्जाम्पल्स के तौर पे आयोनाइज करके बताना है या एच आइन या बेस होगी तो वो हाइड्रोक्सल आइन प्रोड्यूस करेगी। सो हेडिंग में सबसे पहले आप इसको अगर मैं मिटा के लिखूँ तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, अगर एसिड की लिख रहे हैं तो एसिड ये होते हैं तो ये होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। फिर लिखेंगे कि जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखेंगे कि एच या बेस होती तो BOH, तो वो डिसॉल्व होके क्या क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे और ए नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, और ये डिसॉल्व होके बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। उसके बाद एग्जांपल्स लिखेंगे आप कि भाई जो आर्हीनियस के मुताबिक ये इक्वेशन है ना, ये इन इन एसिड और इन इन बेसिस पे अप्लाई होती है। ये तीन हेडिंग होंगी एसिड की और बेस की। उसके बाद फोर्थ हेडिंग सॉरी थर्ड हेडिंग आएगी, एसिड के बाद बेस आएगी, बेस के बाद आएगी थर्ड हेडिंग लिमिटेशंस। आपको पता है ये जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इट हैज़ वेरी मच लिमिटेशंस, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज नहीं हो सका, चल नहीं पाया, लिहाजा इसको मार्केट में इतनी पजीराई नहीं मिल सकी, पॉपुलर नहीं हो सका, लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये बेस है, इसने ये ज़रूर बता दिया कि एसिड और बेस को आप केमिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। वो अलहदा बात है कि आप pH एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट फ़र्क हो गए हैं, लेकिन हम उधर तक नहीं जाते, हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं।
बेटा पहली बात, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि मैं जो एसिड और बेस को चेक करना चाहता था तो मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करता था। तो अगर मेरे पास वाटर नहीं है तो मैं एसिड और बेस कैसे चेक करूंगा? नहीं चेक कर सकता। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता नॉन एक्वस सॉल्यूशंस पे। तो अगर आपकी एसिड या बेस एक्वस सॉल्यूशन बना रही है तो आर्हेनियस इज गुड, आप उसे इस्तेमाल करें। अगर आपकी बेस एसिड या बेस नहीं बना रही तो आर्हेनियस कैन नॉट डू एनी हेल्प। तो एक्वस सॉल्यूशन पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। बट इफ कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिड है, हम सारों को पता है एसिड रेन करता है, लेकिन ये इसमें तो हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। आर्हेनियस के मुताबिक तो इसके पास हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये एसिड है, आर्हेनियस कहता है ये एसिड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बेटा मसला ये है, आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट लिमिटेड चीज़ों पे अप्लाई किया था, हर चीज़ पे नहीं अप्लाई करना शुरू कर देना आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। सो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एसिड्स डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयन और बेसिस डू नॉट हैव हाइड्रोक्सल आयन। बेटा ये दो हाइड्रोजन और सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो दो आपके पास आयन है, ये अगर होंगे तो एसिड और बेस का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बेस है NH3, आप कहेंगे सर इसके पास तो हाइड्रोक्सल आयन है ही नहीं, ये कहाँ से बेस हो गई? मैं कहूँगा इस वजह से कि आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को सोच के बात कर रहे हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, इट्स नॉट एप्लीकेबल लाइक कि आप उसे जाएं और अप्लाई कर दें हर चीज़ पे, ये लिमिटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मौजूद होगा। थैंक यू।